नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1903 का केवाला है और उसमें खेसरा नंबर नहीं लिखा हुआ है। बाकी उसका सभी डिटेल्स है लेकिन खेसरा नंबर नहीं लिखा हुआ है। और यह तीन टुकड़ा में जमीन है और यह जमीन वर्तमान समय में कोर्ट में इसका टाइटल चल रहा है। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसी को जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन है कि आपके पास कोई जमीन था और उसका जो है था, मतलब है भी, और उसका जो दस्तावेज है, जो केवाला है जिसे जमीन रजिस्ट्री का पेपर बोलते हैं, वो आपके पास है लेकिन उसमें खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, बाकी जमीन का जो भी डिटेल्स होता है वो सभी है, और अभी जो है वर्तमान समय में कोर्ट में इसका टाइटल चल रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा ये तो मतलब वो समय बताएगा, लेकिन क्या हो सकता है थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करना है। अगर मान लीजिए सन 1903 का आपका दस्तावेज है, केवाला है जमीन का, तो वो समय जो है हमारे देश आजादी से पहले का समय है और उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। तो हमारे देश जो है, हमारा देश जो आजाद हुआ उसके बाद जो है, यूं कहे तो 1956 के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त हुई है, ठीक है। तो उस समय जो है जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो उसके बाद जो राज्य में जमीन था तो राज्य सरकार में वो तब्दील हो गया, या फिर यूं कहे तो जो केंद्र की जमीन थी वो केंद्र सरकार में तब्दील हो गया। तो अब बात आती है, अगर राज्य की बात है, वह राज्य सरकार में बदल गया होगा, तो राज्य सरकार में जब बदल गया था तो उस समय जो है जो भी जमींदार हुआ करते थे वे जो है रिटर्न दाखिल किए थे, मतलब कि वे जमींदार जिस भी व्यक्ति को जिस रूप में जो जमीन दिए थे उसका वो रिटर्न दाखिल किए थे, मतलब एक लिखित जो है प्रदान किए थे सरकार को। तो आपके पास अगर वो दस्तावेज नहीं है तो आप उसे प्रयास करें कि किसी भी तरह ऊपर करने का, ठीक है। जो आपका जिला होगा वहां से पता करें, जो नकल खाना है आपका वहां पर जाएं, वहां से रिटर्न आप प्राप्त करने का कोशिश करें। अगर उसका रिटर्न मिल जाता है तो हो सकता है आपने मिस्टेक किया हो, लेकिन जो जमींदार थे उन्होंने अगर रिटर्न दाखिल किया होगा तो वो सारा ब्यौरा सरकार को दिए होंगे। अगर उसमें आपको डाटा मिल जाता है तो वह आपको कोर्ट में काम करेगा एक एविडेंस के तौर पर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि वो दस्तावेज आपको नहीं मिल पाया, मतलब रिटर्न वाला जो भी पेपर है वो कुछ नहीं मिल पाया, तब क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में जो है हो सकता है कि जज उसका जो है आपके पक्ष में है परिणाम ना दे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या, वो अगर पेपर आपको रहता तो वो एक एविडेंस होता, प्रूफ दर्शाता कि चलिए आपके दस्तावेज में अगर वो खेसरा नंबर नहीं है तो यहां पर ये शो कर रहा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि आपको जो आपका जो पक्ष है, मतलब आपके पक्ष में वो परिणाम ना मिले। अब बात करते हैं कि उसमें मान लीजिए सब डिटेल्स है, सिर्फ खेसरा नंबर नहीं है। तो दोस्तों, खेसरा नंबर जो है जमीन का लोकेशन बताता है और मेन पार्ट होता है, उसके बाद जो है चौहद्दी होता है उसका। तो अगर आपका चौहद्दी भी सही है और 100% चौहद्दी सही है चारों तरफ का, और उसका एविडेंस आप देते हैं, मान लीजिए कि उस समय कोई व्यक्ति आपके बगल में जमीन था और उसका दस्तावेज जो है जिस नाम से, वह नाम आपके दस्तावेज के चौहद्दी से मैच करता है, तो चारों चौहद्दी के दस्तावेज को उसका जो नकल है, मतलब जेरोक्स, वो आपको कोर्ट को देना पड़ेगा ताकि आप ये साबित कर पाए कि इस चौहद्दी के बीच में आपका जमीन है,
तो यहाँ पर आपका रिजल्ट बन सकता है। अगर ये भी ऊपर नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आपके पक्ष में ये परिणाम नहीं जा सकता है। ठीक है, तो होने का तो ये मैंने अनुमान बताया, लेकिन जज क्या करते हैं, क्या निर्णय देते हैं, वो उस समय ही पता चल पाएगा। लेकिन मेरा जो अनुमान है उस अनुमानिक तौर पर मैंने बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।